गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू डूइंग वेल। देखिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हाइट एंड डिस्टेंस का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए ब्रिज ओवर ए रिवर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, देखिए मैंने इसका डायग्राम पहले ही बना लिया है, आप देख लोग देख पा रहे हो अच्छे से। ये इस प्रकार से एक रिवर है और इसमें दिया गया है कि जो ये रिवर के जो ब्रिज है उस रिवर के जो बैंक एक जो किनारा है उसके साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, आगे है द लेंथ ऑफ द ब्रिज ओवर द रिवर इज 150 मीटर। आप देख पा रहे हो ये वाला जो ब्रिज है ये इस नदी के ऊपर से जाता है, तो इसकी जो लंबाई है जो लेंथ है दैट इज 150 मीटर। ठीक है, तो हमें निकालनी है जो ये रिवर है इसकी विड्थ कितनी आएगी। ठीक है, देखिए मैंने माना लेट द विड्थ ऑफ रिवर इज एक्स मीटर। आप देख पा रहे हो, देखिए यहां से हमें रिलेशन रखना है बिटवीन दैट इज परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। ओके, तो देखिए आप लोग देखिए यहां से पी बी बी पी एंड एच एच बी। तो देखिए आप लोग यहां से कि हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन मिलता है साइन में, तो हमें साइन 30 का अप्लाई कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा यहां से, दैट इज साइन 30। देन साइन 30 डिग्री इक्वल टू पी अपॉन एच, साइन 30 की वैल्यू 1/√2। क्लियर स्टूडेंट्स यहां तक? ओके, देन पी यहां पे परपेंडिकुलर की वैल्यू एक्स है एंड हाइपोटेनस की वैल्यू 150 मीटर है। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा आप लोगों के? वेरी गुड। अब यहां से आप देखिए एक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे रूट टू से तो देन एक्स रूट टू एक्स 150, देन एक्स इज इक्वल टू 150/√2। अब यहां से आपको रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो यहां से हमें रूट टू से डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है 150√2। रूट टू को जब अब अगर आप रूट टू से मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 2, यहां से 2 इस 150 को कैंसिल आउट करेगा, देन 75 √2 मीटर। ये है उस रिवर की विड्थ। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।